ये एक पैंडमिक है, एक महामारी है जो दुनिया भर में फैली है और जो किसी को भी हो सकती है। तो अगर ये बीमारी आपको आज नहीं हुई है तो यू शुड बी थैंकफुल, बट यू शुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प। आपके आसपास किसी को भी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो प्लीज़ उनकी मदद करें। उनको कोई जानकारी चाहिए तो आप उनको जानकारी दें। उनको किसी दवाई की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप अपनी तरफ से जो कर सकते हैं करें। मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं शेयर कर रही हूँ। आपके पास कोई और अच्छे टिप्स और नॉलेजेबल बातें हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। अगर हुआ तो मैं उनके बारे में एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आप इस वीडियो को भी, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, तो लाइक करें, शेयर करें, अपने जानने वालों तक पहुंचाएं ताकि हम सब मिलकर कोरोना के साथ इस जंग को जीत जाएं। चलिए अब देखते हैं डॉक्टर का वीडियो। वो लोग जो इन्फेक्टेड नहीं है अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं कि हमको इन्फेक्शन ना हो या हो तो हम उससे बच जाएं। उसके लिए जो हमारे पास विटामिन सी की टैबलेट्स हैं, जो एक सुबह और एक शाम ले लेनी चाहिए। कुछ मल्टीविटामिन की गोलियां आती हैं, विकासूल या मल्टीविटामिन सुप्राडीन, कोई भी गोली एक जैसा ही काम करती है, दिन में एक लेना इनफ होता है। कैल्शियम या विटामिन D3 ने भी इफेक्ट दिखाया है, इसलिए ये भी दिन में एक बार लेनी है। विटामिन डी के 60K के कैप्सूल्स आते हैं, 3 दिन लेकर के बंद कर दीजिए। वो लोग जो बुजुर्ग लोग खाना नहीं खा पा रहे, भूख नहीं लग रही, उन लोगों के लिए ORS सॉल्यूशन या घर का बना नींबू पानी इनफ होता है, जिसमें नमक और चीनी दोनों होनी चाहिए। यहां तक मैंने बात करी वो लोग जिनको कोई इन्फेक्शन नहीं है या फीवर नहीं आ रहा। मैंने फिर बताया फीवर नहीं है तो कोरोना नहीं है, क्योंकि 97% को पहला सिम्टम ही फीवर आता है। अगर आपको फीवर आ रहा है तो थर्मामीटर से चेक करिए, पैनिक मत करिए। अगर फीवर आ रहा है तो आप पैरासिटामोल की बनी टैबलेट आपको आराम से मिल जाएगी 500 या 600 में, ये मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। पैरासिटामोल की गोली से शरीर के दर्द, कमजोरी, सिर का दर्द, गले का दर्द या फीवर दोनों उतर जाते हैं। अगर इस गोली को 3 बार लेने से फीवर नहीं उतर रहा तो आप कपड़े से बॉडी को भिगा लीजिए और पंखा चला दीजिए, जैसे ही पानी सूखेगा आपका टेम्परेचर उतर जाएगा। बच्चों को भी आप यही दे सकते हो, बस पैरासिटामोल की डोज वेट के हिसाब से आधी कर दीजिए। अब इसके अलावा कुछ लोगों को सांस फूलनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को डर की वजह से, कुछ लोगों को बीमारी की वजह से। अगर वो सांस फूलना डर की वजह से है तो आप ये पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लाएं, जो कि मार्केट्स में आराम से मिल जा रहा है 500 से 1000 रुपए के बीच में, या फिर अमेजन की साइट्स पे भी मिल जाता है। इसको उंगली पे लगाने से आपको आपकी ऑक्सीजन कितनी है ये बता देता है। अगर आपकी ऑक्सीजन नॉर्मल लोगों की 90 से ऊपर रहनी चाहिए, अगर ये ऑक्सीजन 90 से ऊपर है तो ये जो भी आपको हो रहा है वो डर की वजह से है। और जितना मैंने ट्रीटमेंट अभी तक बताया, मल्टीविटामिन, सोशल डिस्टेंसिंग या हैंड वॉश इज इनफ। बट अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है या सांस चढ़ रही है या खांसी आ रही है तो आपको 2 टैबलेट्स, एक तो डेरिफिलिन की गोली या डॉक्सोफिलिन की गोली सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं, और एक मल्टीलुकास की गोली रात में लिवोसिट्रिजिन के साथ। इन गोलियों से आपका सांस चढ़ना कम हो जाएगा। कुछ लोगों ने म्यूसिनेक भी ट्राई कराया सुबह और शाम, म्यूसिनेक से भी सांस चढ़ना कम हो जाता है। जिन लोगों को खांसी हो रही है, कोई सिरप अच्छा और बुरा नहीं होता। जो लोग सिरप मार्केट से खरीद सकते हैं 5 ml सुबह दोपहर शाम लीजिए। जो लोग नहीं ले सकते वो लोग जिंजर का जूस, कंसंट्रेटेड जिंजर के जूस में हनी मिला के लीजिए, ये भी होम रेमेडी है, खांसी के सिरप के जैसा काम करता है। सब सिरप एक ही जैसे काम करते हैं, सिर्फ एक ढक्कन सुबह दोपहर शाम लेना है। यहां तक तो सिर्फ उन लोगों की बात है जो लोग घर में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी वजह से आपका बुखार उतर नहीं रहा, बहुत बढ़ गया, इतने सब केयर से नहीं ठीक हो रहा, तो अब मेडिकल फैसिलिटी आ जाती है, जिसमें कुछ गोलियां और कुछ इंजेक्शन मैं समझा रहा हूँ। जो गोलियां हैं, 2 एंटीबायोटिक्स, एजिथ्रोमाइसिन, सिर्फ 5 गोलियां आपको कंटिन्यू नहीं करनी, रोज एक लेनी है, 5 दिन लेके बंद कर देनी है। एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन, यही 2 एंटीबायोटिक्स हैं जो इस वायरस के खिलाफ कुछ तो काम करके रिजल्ट दिखा रही हैं और हम लोग इनको दे रहे हैं। डॉक्सीसाइक्लिन गोली सुबह शाम एक पत्ता लेके बंद कर देना है। अगर इन सबसे भी ठीक नहीं हो रहा और आपके पास मेडिकल फैसिलिटी है तो आप मेडिकल फैसिलिटी में जाइए। अगर ऑक्सीजन 90 से कम है तो ऑक्सीजन का सिलेंडर का इंतजाम करिए, नहीं तो अपने हॉस्पिटल पास में दिखाइए। किसी वजह से आपको हॉस्पिटल नहीं मिल रहा तो 2 और ड्रग्स हैं, एक तो ब्लड थिनर इनॉक्सापेरिन। ऐसा माना गया है कि कोरोना के टाइम में बॉडी में क्लॉट्स बन जाते हैं और हार्ट का, ब्रेन का स्ट्रोक और सब जगह के ऑर्गन्स फेल करने लगते हैं। ऐसे में ये ब्लड थिनर का इंजेक्शन सुबह और शाम 40 mg का अगर 3 दिन लगा लिया जाए तो ये इनसे बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। मैं फिर कह दूं, ये मेडिकल गाइडेंस में ही करना है।
अगर किसी वजह से ये इंजेक्शन नहीं अवेलेबल है तो गोली भी आती है पिक्साबैन की, जो 2.5 mg सुबह शाम ली जा सकती है। ये सब चीजें 5 दिन के लिए करनी है। कुछ रिसर्च में स्टीरॉइड्स का रोल बताया गया है। ये 10 रुपए का स्टीरॉइड है डेक्सामेथासोन, अस्थमा के लोगों को दिया जाता है, इमरजेंसी एनाफिलैक्सिस में दिया जाता है, ये भी कोरोना में आजकल दिया जा रहा है। एक इंजेक्शन 4 mg का आता है, 4 से 8 mg का एक इंजेक्शन सुबह खाने के बाद लगा लीजिए। ये इंजेक्शन भी अंडर मेडिकल गाइडेंस आपको बहुत मदद करेगा 5 दिन के लिए, बट ये उन लोगों के लिए जो बहुत सिक हो गए हैं और किसी वजह से जो वेंटिलेटर पर जाना है, वेंटिलेटर पर जाने से बचने के लिए ये इंजेक्शन लगाए तो बच जाता है। एक कोलेस्ट्रॉल की गोली एटोरवास्टैटिन 10 से 20 मिलीग्राम की गोली भी काम करती है कोरोना में, ऐसा देखा गया है। बड़ी सेफ सिंपल दवाई है, एक गोली रोज ले लीजिए, बट ये सिक लोगों के लिए ही है। और लास्ट पानी, जो लोग बिल्कुल नहीं खाना खा रहे उनको तो चढ़ा सकते हैं, बट मान अब ये देखा गया है कि ज्यादा आईवी फ्लूइड देने से पेशेंट की कंडीशन खराब हो रही है, इसलिए सिर्फ पानी के ऊपर मत जाइए, कोशिश करिए इसको अवॉइड करने का। तो मैं फिर वापस आऊंगा, हम लोग जो इन्फेक्टेड नहीं है वो सिर्फ हैंड सैनिटाइजर, डिस्टेंसिंग और मास्क का यूज करेंगे। जो लोग सिर्फ इम्यूनिटी कम है, ओल्ड एज है, वो ORS सॉल्यूशन, कैल्शियम, विटामिंस या विटामिन सी का यूज करेंगे। सब लोग घर में अगर हो सके तो पल्स ऑक्सीमीटर ला के रखिए, नहीं तो एटलीस्ट एक कम्युनिटी में एक पल्स ऑक्सीमीटर हो, ये सब लोगों के पास, सब लोगों का चेक कर सकता है। इसमें ब्लड की जरूरत नहीं होती, इसमें इन्फेक्शन होने का डर नहीं होता। सिर्फ आप उंगली अपनी साबुन से धो के यूज करिए, जिससे दूसरे आदमी को इन्फेक्ट ना हो। इसके अलावा घर घर में पैरासिटामोल, डेरीफिलिन, मोनोक्लोकास्ट, म्यूसिनेक टैबलेट्स और घर के बने कफ सिरप्स, नहीं तो मार्केट के बने कफ सिरप्स। अगर इससे भी ठीक नहीं होता तो 2 एंटीबायोटिक्स, एक है डॉक्सीसाइक्लिन और एक है एजिथ्रोमाइसिन। अगर इसके बाद हॉस्पिटल की जरूरत पड़े या हॉस्पिटल ना मिले तो एक इंजेक्शन एनोक्सापेरिन और एक इंजेक्शन डेकाड्रान, यही इस वक्त हमारे पास बेसिक केयर अवेलेबल है। मेक श्योर कि ये सबके पास इंफॉर्मेशन चली जाए। आप अपनी डिसीज की सीवियरिटी के हिसाब से इसमें से ड्रग्स लेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड में सीवियरिटी बढ़ती चली जाएगी। जो लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं वो हॉस्पिटल में रहिए, जिन लोगों की ऑक्सीजन कम है वो घर में ऑक्सीजन इंतजाम करके भी ये ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर संजीव कुमार सनशाइन हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ।